बहन जी को पीएम बनाने के लिए काम होगा, जिससे कि लोगों का मनोबल बढ़ सके। तो हम बहन जी के पक्ष में ही काम करेंगे, क्योंकि हमें बात बहन जी की नहीं है, बात यह है देश को एक अच्छा लीडर देने की, एक अच्छा प्रधानमंत्री देने की। इसलिए हम लोग वो सारी बातें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। हम लोग नॉन BSP बट कोर BSP के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। रूट आपका वही रहेगा, हाँ, रूट चार्ट हमारा भी कुछ चेंज है, वही पहले वाला ही है। सर एक बात जानना चाहूँगा कि बसपा में निष्कासन होते रहते हैं लेकिन वापसी हो जाती है बहुत जल्दी, क्या कारण है कि आपको ज़्यादा समय लग रहा है? देखिए, इसका मतलब ये है कि मेरी जो तो जो बहन जी जो आशीर्वाद जो दिया था वो बड़ी चीज़ दी थी, तो जितनी दूर थोड़ी सी दूर होती है मंजिल पर समय लगता है, तो इसलिए मुझको पता है। बहन जी ने उससे बोला भी था कि आपको हम लोकसभा के चुनाव के बाद जय मुन्ना मैं तुझे बुलाऊंगी, तो मैंने सोचा है मुझे घर पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि 2019 समाज में देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि जय प्रकाश घर बैठ जाए, तो वो मेरा इनसे ही निवेदन है कि आप लोग भी इस बात पर चिंतन न करो, घर बैठना किसी का भी ठीक नहीं है। जय प्रकाश तो बहुत छोटी चीज़ है, किसी का भी घर बैठना ठीक नहीं है, क्या करोगे? इसलिए मेरा भी मानना है, सभी देश के नौजवानों से निवेदन है, सभी जनजाति के लोगों से, कि उनको सबको घर में से निकल करके प्रत्येक वोटर को एज ए वर्कर काम करना चाहिए। वोटर का मतलब होता है वोट बैंक को बढ़ाना, तो सभी लोग काम करें। और मुझे उम्मीद है आदरणीय बहन जी जब भी आशीर्वाद देंगे, जब भी जो भी होगी, जिस अगर बूथ में लगाएंगे तो हम बूथ पर रखकर काम करेंगे। सर पिछले दिनों बहुत सी वापसी हुई है, MLA तोमर साहब वापस आए, नर्मदा प्रसाद अग्रवाल को वापसी जिम्मेदारी मिल चुकी है, आपको जो समय लग रहा है ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादा सक्रिय हैं, ज़्यादा लोकप्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से ही बैकफायर कर रही थी? हाँ, ये तो है कि कुछ लोग बहन जी को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोकप्रिय हैं युवाओं के, तो कुछ लोग जो असामाजिक तत्व होते हैं, अरे जगह होते हैं, तो कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं बहन जी को कि बहन जी ये तो बहुत जल्दी नेता बनना चाहता है, बहन जी ये तो ऐसे ऐसे कमेंट्स करता है। तो उस आधार पर लेकिन मुझे विश्वास है बहन जी जो है पहले सबका सुनेंगी, बहन जी सबका सुनेंगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बैठ कर आराम से सोचेंगी और उसके बाद फिर ये कहेंगे भाई जयप्रकाश ठीक है, उसको हम जिम्मेदारी देते हैं। मुझे उम्मीद है हम जब तक बहन जी के लिए काम करेंगे हम घर नहीं बैठेंगे। सर एक सवाल बहुत ज़रूरी कि अभी देवाशीष राजे का प्रबंधन देखने को मिला, जिसमें वो लगातार एक बहन जी मुख्यमंत्री एक समाज का एक तबका डरा हुआ रहता है जब इस तरह के तरीके देखता है। हाँ देखिए, बिल्कुल जायज़ बात है, आप सब जानते हैं गांव के लोग कहते हैं कि दूध का फूका हुआ छाक को, दूध का जला हुआ छाक को फूक मार के पीता है, ये बात जायज़ है। देखिए साहब काशीराम जी को अपने आप को ना बिकने वाला प्रूफ करने में 15 साल लगे, आज थोड़ा ज़माना एडवांस है, थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भाइयों मेरा उद्देश्य अपने आप को कोई चमकाना नहीं है, मेरा उद्देश्य बहन जी को PM बनाना है। जिसको आज यकीन करना है आज कर ले, नहीं करना है वो ना करे, कल करना है कल कर ले, और जब अच्छा लगे तब कर ले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यही दौर होता है नेताओं को बिकने का, चुनाव से पहले का दौर। केजरीवाल जी का फोन आया तो क्या बात? हाँ, केजरीवाल जी का फोन हमारे भाई साहब के पास में आया, उन्होंने कहा कि बात करी उनसे, नहीं उनके पास में आया, उन्होंने कहा कि भाई आपको जयप्रकाश जी बात करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा। हम लोगों ने बैठ के बातचीत करी कि ना हमें उनसे कोई बात करनी है, हमें केवल बहन जी के लिए काम करना है, क्योंकि वो लोग हमको भटकाना चाहते हैं हमारे आंदोलन से। वो छोटा मोटा स्वार्थ हमको दे सकते हैं लेकिन हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम बहुजन का PM बनाएंगे और आदरणीय बहन जी इस समय सबसे अच्छी देता है। हाँ, हम लोग यहाँ से गाजियाबाद जाएंगे, गाजियाबाद में जो कौशाम्बी में जो स्टैचू है बाबा साहब सुपर टैंक पे हम उस पर मालार्पण करेंगे, उसके बाद हम जो है जो उसकी है अपनी माता कॉलोनी विजयनगर थाने की उस पर स्टैचू का हम लोग करेंगे, जो बहन जी की सरकार में जो लगाई गई थी उस पर करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से निकलते हुए हम लोग तिलकवा होते हुए हापुड़ जाएंगे और हापुड़ के बाद बनते हुए I don't know.